हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से और एक नया वीडियो। और इस वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हम लोग जब वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में, शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो किसी की वीडियो अपलोड करते हैं, उस टाइम हम लोग सोचते हैं ज़्यादातर ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में हम लोग इसीलिए सोचते हैं क्योंकि ट्रेंडिंग में जिस वीडियो अगर चल रहा है उसी टॉपिक पर अगर हम लोग वीडियो बनाते या उसी तरीका के कॉन्टेंट वीडियो अपलोड करते तब हम लोगों का वीडियो ज़्यादा वायरल होने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों ने ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो बना के बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, हम लोग सभी लोग सोचते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक कहाँ से मिले, लेकिन दोस्तों आज आप लोगों को ऐसा एक राह बताने वाला हूँ, ऐसा एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो गूगल ट्रेंडिंग के बारे में सब लोग जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो देख के एक एक तरीका से आप लोग समझ जाएंगे जो इस गूगल ट्रेंड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस गूगल ट्रेंडिंग का द्वारा अगर आप किसी का शॉर्ट्स वीडियो हो या किसी का लॉन्ग वीडियो हो, एक महीना का अंदर कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है और एक हफ्ता का अंदर कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर एक तरीका से गूगल ट्रेंड्स एक एक तरीका से आप लोगों को जानकारी दे देगा। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक एक तरीका से समझाएंगे जो गूगल ट्रेंड क्या होता है और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक एक तरीका से आप लोग को समझा देंगे और आप लोग देखते रहना और इसी तरीके से यूज़ करते हो तो ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए कोई समस्या नहीं होगा। गूगल ट्रेंड के माध्यम से आप लोग कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हो, कौन सा कीवर्ड डालने से आपका वीडियो ज़्यादा वायरल होगा, कौन सा कीवर्ड देने से आपका अच्छा होगा, हर एक चीज़ आपको दिखाई देगा गूगल ट्रेंड का अंदर से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले डेस्कटॉप मोड में अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, उसके बाद गूगल में सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स एक बेहतर वेबसाइट है आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ने के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करने के लिए। तो देख रहे गूगल ट्रेंड्स खुल चुका है, तो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और आपको साइड में दिखाई देगा, साइड में थ्री लाइन वाले ऑप्शन दिखाई दे रहे, उस थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। आपको देख रहे थ्री लाइन वाले ऑप्शन गूगल ट्रेंड्स बोल के, तो उसमें हम लोग यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लोर ट्रेंडिंग नाउ। अगर आपको ट्रेंडिंग कोई टॉपिक अभी चाहिए तो ट्रेंडिंग नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस वक्त कौन कौन सा चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहे हर एक चीज़ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो स्पोर्ट्स का ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक, यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक 200 के दिखा रहे, मतलब आज 200 के सर्च हो चुका है स्पोर्ट्स। तो ट्रेंडिंग अभी स्पोर्ट्स चल रहा है आज का तारीख में, तो ये आपको दिखा रहे। और यहाँ पे एक तरीका ये भी स्पोर्ट्स का ही है, स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो चाहे तो आपका टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं, अभी ट्रेंडिंग का इस वक्त चल रहा है स्पोर्ट्स, यही आपको दिखा दे रहे, मतलब 7 घंटा के अंदर 200 के सर्च हो चुका है, तो यही ट्रेंडिंग टॉपिक है। और भी बहुत सारे कैटेगरी आपको दिखाई दे रहे, तो वहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए 4 कैटेगरी अलग अलग लिखा हुआ है, उसमें ट्रेंडिंग नाउ भी है। और आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे, मतलब आप अगर कोई टॉपिक सर्च करना चाहेंगे तो एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे, और इस एक्सप्लोर में क्लिक करके नीचे आपको 4 कैटेगरी अलग अलग दिखाई दे रहे। पहले लिखा हुआ है कंट्री, अगर कौन सा कंट्री में आप देखना चाहेंगे, अगर इंडिया से है तो इंडिया सर्च कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड है तो पूरा वर्ल्ड का अंदर कौन सा टॉपिक वायरल है, कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर कोई USA है या जिस भी कंट्री से कोई भी देखना चाहते हैं कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वो अपना अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा इंडिया ही इंडिया सेलेक्ट करके रखूँगा। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, अगर 1 घंटा का अंदर आप ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं, लास्ट 90 डेज में, लास्ट 7 डेज में, कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे आपका कैटेगरी है, आप जिस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या जिस इंटरटेनमेंट चाहिए तो इंटरटेनमेंट, हेल्थ के लिए चाहिए तो हेल्थ के ऊपर, कुछ भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं यहाँ से और टॉपिक भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब मान के चले कोई इंटरटेनमेंट के ऊपर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग, तो आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेब सर्च लिखा हुआ है, इसमें यूट्यूब सर्च कर देंगे क्योंकि यूट्यूब का सर्च से कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है वही हमको देखना है, तो इसीलिए यूट्यूब सर्च रख देंगे। उसके बाद आपको ऊपर में एक टॉपिक सर्च करना है, मान के चलो कोई कॉमेडी वगैरह शो हो तो कपिल शर्मा शो बेस्ट कॉमेडी है, तो हम यहाँ पे कपिल शर्मा शो सर्च कर देते हैं। उसके बाद आपका कौन कौन देश में ट्रेंडिंग चल रहा है और कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं, कितना परसेंट सर्च हो रहे हैं, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे जो कीवर्ड होता है, अच्छा सा कीवर्ड, कौन कौन सा चीज़ लिख के लोग सर्च करते हैं, क्या क्या चीज़ लिख के लोग सर्च करते हैं, वो भी यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर एक चीज़ कीवर्ड में लिखा हुआ आ रहा है और
साइड पे परसेंटेज भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब इतना सारे लोग आज का डेट में एक कपिल शर्मा को ट्रेंडिंग टॉपिक मतलब लिख के सर्च कर रहे हैं। और ये सब कीवर्ड हर एक चीज़ कीवर्ड में मतलब सर्च में लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बता चुके हैं कैसे आप लोग ये ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च करते हैं और कैसे कैसे हम लोग भी इस ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ सकते हैं गूगल ट्रेंड के दौरान, तो आप भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं।